देशों में जिस तरह से पीएम मोदी को सम्मान मिलता है, जिस तरह से पूरे विश्व में पीएम मोदी की पूछ बढ़ी है, जिस तरह से अपने नेतृत्व में देश को आगे लेकर गए हैं पीएम मोदी, इससे इतना तो साफ है कि विपक्ष चाहे इन मुद्दों पर पीएम की बुराई क्यों ना कर ले, राहुल गांधी अलग अलग देशों के दौरों पर जाकर पीएम मोदी की गई मेहनत पर पानी ही क्यों ना फेर दें, लेकिन ये नेता अपने मन के किसी कोने में इस बात के लिए खुश जरूर होते हैं जो अलग अलग देश पीएम मोदी को इतना सम्मान देते हैं, बशर्ते वो अपने देश का हित चाहते हों, वो राष्ट्रभक्त हों। कोई भी राष्ट्रभक्त अपने देश के प्रधानमंत्री को विश्व में मिल रहे सम्मान के प्रति हर वक्त सजग रहेगा, हर वक्त इस बात को सराहेगा। हाँ, मनमुटाव किसी एक स्तर पर हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन ये जो खुशी नरेंद्र मोदी के नाम पर देश को मिल रही है, इसको कैसे दरकिनार करेगा? सैम पित्रोदा भी नहीं कर पाए। हाँ, वही सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा। अब जब पीएम मोदी जल्द ही अपनी अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं, तो अचानक से सैम पित्रोदा को अपने पीएम पर गर्व महसूस होने लगा है। सैम पित्रोदा ने कहा है, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हर जगह सम्मान के हकदार हैं और हमें इस बात पर गर्व है। सैम पित्रोदा अभी अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी के साथ हर पल खड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक तरफ राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अलग भारत की अपनी अवधारणा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं, वहीं उनके साथ ही इस यात्रा पर गए सैम पित्रोदा पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ भारत के अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की अत्यधिक आलोचना की है। उन्होंने यूक्रेन और चीन में युद्ध जैसे मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी की विदेश नीति का समर्थन किया है। पित्रोदा ने आगे कहा, राहुल गांधी जानते हैं कि कहां सही कर रहे हैं, हम सब इसके समर्थन में हैं। किसी ने मुझसे कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत हो रहा है, तो मैंने कहा मैं ये सब जानकर खुश हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। 1.5 अरब लोगों के देश का एक प्रधानमंत्री हर जगह सम्मान पाने का हकदार है और मुझे इस पर गर्व है, मैं उनके बारे में नकारात्मक नहीं हूँ। फिर कांग्रेस नेता ने दावा यह भी किया कि अमेरिका में राहुल को शानदार प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा, लोग बहुत उत्साहित हैं, हमने उम्मीद पैदा की है और लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। संभव है कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के लिए जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन सैम पित्रोदा को ये नहीं भूलना चाहिए कि यहां से राहुल गांधी निकलेंगे और वहां पीएम मोदी के आगमन की अमेरिका में तैयारियां होने लग जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को वाशिंगटन की राजकीय यात्रा पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे, पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज भी देंगे और इसके लिए अमेरिका काफी उत्साहित भी नजर आ रहा है। ये पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा होगी जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करेगी। पीएम मोदी की इस अमेरिकी यात्रा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पिछले एक महीने में चौथी मुलाकात होगी। वाकई पीएम मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में देश को कहां से कहां ले गए हैं। पूरा विश्व पीएम मोदी को सम्मान दे रहा है, हर कोई पीएम मोदी को सम्मान भरी नजरों से देख रहा है और अब तो राहुल गांधी के करीबी नेता भी पीएम मोदी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।